ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग सेकंड करता है तो उतना बड़ा थ्रेट नहीं है जितना कि भारत अगर ईडन गार्डन्स में खेल रहे होते और बॉलिंग सेकंड करते हैं। जैम्पा है सिर्फ, सो उनके 10 ओवर्स किसी ना किसी तरह से उन कम से कम हादसे से बच जाए वो उस 10 ओवर्स में, तो फिर बाकी स्पिन जो है वो इतनी कोई खास नहीं है ऑस्ट्रेलिया की। और पेस बॉलिंग में उनको अच्छी खासी मार पड़ी, वे स्टार्क का ऑफ सा वर्ल्ड कप चल रहा है, तो ये जो मुकाबला है ये खासा 50-50 होने वाला है। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका लॉटरी है। मैं समझता हूँ कि अगर पहले बैटिंग की तो 400 भी कर सकते हैं, और अगर दबाव में आ गए जो कि हमें पता है कि हैशटैग चोकर्स उनके लगता है, तो कहीं जल्दी भी सिमट सकते हैं। आज एक सेकंड सेमीफाइनल बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ऑब्वियसली। ऑस्ट्रेलिया जिस तरह पीक कर रहा है, अपने 7 कंसेक्यूटिव मैचेस जीत चुके हैं, 8वां मैच वो खेलने जा रहे हैं, बट एक उनके लिए भी पॉसिबिलिटी है वर्ल्ड कप में कई जिंक्स अटैच हैं। हमारा जैसे भारत से ना जीतना, इनका टाइटल न्यूजीलैंड का ना जीतना, इसी तरह चोकर्स के नाम से फेमस हैं, रनाउंड हैं ये साउथ अफ्रीकन भी। क्या आपको लगता है कि अगर टॉस, जिस तरह हमने कल के मैच में देखा टॉस इतना इंपॉर्टेंस रखता है, अगर साउथ अफ्रीका टॉस नहीं जीतता तो आपको लगता है कि साउथ अफ्रीका कुछ कर पाएगा, या ये भी पहले मैच की तरह वन साइड फेयर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया बड़ा टोटल लगाएगा इनसे बाद में चेज नहीं हो पाएगा? देखिए, अगर ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग सेकंड करता है तो उतना बड़ा थ्रेट नहीं है जितना कि भारत अगर ईडन गार्डन्स में खेल रहे होते और बॉलिंग सेकंड करते, क्योंकि गेंद रुकेगा, स्पिन जरूर होगा, मगर जैम्पा है सिर्फ, सो उनके 10 ओवर्स किसी ना किसी तरह से उन कम से कम हादसे से बच जाए वो उस 10 ओवर्स में, तो फिर बाकी स्पिन जो है वो इतनी कोई खास नहीं है ऑस्ट्रेलिया की। और पेस बॉलिंग में उनको अच्छी खासी मार पड़ी, वे स्टार्क का ऑफ सा वर्ल्ड कप चल रहा है, तो ये जो मुकाबला है ये खासा 50-50 होने वाला है। माना कि ऑस्ट्रेलिया का एक चैंपियंस वाला माइंडसेट है जो कि उनको मुश्किल सूरत हाल में एक तरह से क्लैरिटी देता है, क्योंकि जब आपने रेसेस जीती हो, जब आपने वर्ल्ड कप जीते हो, और जब जनरेशन से आप में एक बात बार बार आपको बताई जाए, दोहराई जाए कि आप दुनिया के बेस्ट है, और आपका जो सीवी है उसमें देखें कितनी दफा वर्ल्ड कप जीते हैं, तो जो नई पौध भी होती है उससे इंस्पायर्ड होती है, और ये जो नए लड़के हैं इनके ऑस्ट्रेलिया के, ये इसी बेस के ऊपर यहाँ तक पहुँच जाते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि हम लड़ेंगे, इनकी स्पिरिट और होती है, ये और तरह से खेलते हैं, हार्ड नट टू क्रैक ये इनके लिए वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका लॉटरी है। मैं समझता हूं कि अगर पहले बैटिंग की तो 400 भी कर सकते हैं, और अगर दबाव में आ गए जो कि हमें पता है कि हैशटैग चोकर्स उनके लगता है, तो कहीं जल्दी भी सिमट सकते हैं, क्योंकि ये ईडन गार्डन्स की जो पिच है ये भी इतनी कोई आउटस्टैंडिंग पिच नहीं है, और अगर थोड़ी बहुत खुरदरी रही, एब्रेसिव रही, तो फिर ये मुकाबला टफ हो जाएगा साउथ अफ्रीका के लिए, खासतौर पर अगर इनको रन चेज करने पड़ गए।